स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न रिद्धिमन। आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपका जो 9 यूनिट है, यूनिट 9 राजस्थान का इतिहास। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको सभी टॉपिक जो है वो आरबीएससी के अंतर्गत करवा दिए थे, लेकिन दो टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये जो दो टॉपिक हैं ये आपके 9th यूनिट में अभी तक नहीं करवाए गए हैं। उसका रीजन था कि ये पहले लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसमें नहीं था, लेकिन अब इसमें ऐड हो चुका है ये दो नए टॉपिक, राजस्थान में प्रजामंडल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये दोनों टॉपिक भी हम करेंगे, और जैसे ही ये दो टॉपिक हो जाते हैं तो हम यूनिट 9 का राजस्थान का इतिहास का कंप्लीट टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुआ। तो प्रजामंडल का क्या अर्थ होता है, तो हम देखें कि प्रजा मंडल का अर्थ है प्रजा का संगठन। ठीक है, जहां जनता का संगठन हो। तो जब सन 1920 के दशक में जब ठेकानेदार और जागीरदार इनके अत्याचार जो है वो बहुत बढ़ गए, तो जिसके कारण किसानों द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। साथ में जो गांधी जी थे उनके नेतृत्व में भी स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था। तो इन सभी के कारण राज्य की जो प्रजा है, जनता है, उसमें क्या आया, जोश आया, जागृति आई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक संगठन जो है वो बनाया जाए। ठीक है, यानी मंडल बनाया जाए, जिससे कि संगठन या मंडल बनाकर अत्याचारों के जो विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जाए। तो यही सब कहलाया प्रजामंडल आंदोलन। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक जानकारी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल अर्थ है जनता का संगठन, जिसका उद्देश्य है, यदि क्वेश्चन आ भी जाता है कि प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुआ, किस कारण से, कौन सा उद्देश्य था, तो देखिए, देसी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और जनता को जिससे उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था देसी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और जनता को उनके राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। तो इस बीच बीच में जो भी सभाएं का गठन किया गया, जो भी अधिवेशन के गठन किए गए, तो बस उनकी आपको डेट और कौन संस्थापक थे, कहाँ कार्यालय था, ये सब आपको जानना जरूरी है। 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया, जिसके संस्थापक थे केसरी सिंह बारहट, और इनके साथ में इनके सहयोगी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इन दोनों के नाम से आप पहले से ही परिचित हैं, जब हमने किसान आंदोलन किए थे। तो ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, इसका कार्यालय जो है वो कानपुर में बनाया गया। अब इसको आप कैसे याद करेंगे कि 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, संस्थापक क से केसरी सिंह बारहट और कार्यालय क से कानपुर। ठीक है, तो केसरी सिंह बारहट और कानपुर कार्यालय। इसी राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई। वहां पर अध्यक्ष जो है वो गिरधर शर्मा को बनाया गया। ठीक है, पहले संस्थापक कौन थे, केसरी सिंह बारहट थे, कानपुर में कार्यालय था, और जब पहली बैठक हुई वो दिल्ली में हुई और अध्यक्ष गिरधर शर्मा को बनाया गया। उसके बाद 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष बनाए गए, वहां पर निर्णय लिया गया कि देसी रियासतों में आंदोलन चलाए जाएंगे, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन संबंधित है देसी रियासतों से। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसका निर्णय था कि देसी रियासतों में आंदोलन चलाए जाएंगे। चलिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद करने वाली, कि प्रजामंडल आंदोलन कौन कौन सा और कब हुआ और संस्थापक कौन थे, बस यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल 1931 में, संस्थापक जमनालाल बजाज। बूंदी प्रजामंडल 1931 में ही हुआ, कांतिलाल। हांडोती प्रजामंडल 1934 में हुआ, तो इनके संस्थापक जो है वो पंडित नैनू शर्मा को बनाया गया। मारवाड़ प्रजामंडल जो कि 1934 में हुआ, तो यहाँ जय नारायण व्यास जो है संस्थापक बनाए गए। सिरोही प्रजामंडल 1934 में ही हुआ, वृद्धि शंकर त्रिवेदी जो है वो यहाँ के संस्थापक बनाए गए। तो सिरोही प्रजामंडल के बारे में तो
जो संस्थापक है यहाँ पर कई और भी आ जाते हैं, लेकिन आरबीएससी की बुक में वृद्धि शंकर त्रिवेदी ही है, तो आप यही याद करिएगा। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मघा राम वैद जिसके संस्थापक बनाए गए, कोटा प्रजामंडल 1939 में पंडित नयनू शर्मा बनाए गए, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणिक्य लाल वर्मा बनाए गए, और अलवर प्रजामंडल 1938 में हरि नारायण शर्मा को बनाया गया। तो ये जो प्रजामंडल है और इनके संस्थापक हैं, देखिए इसी तरीके से आप याद रखिएगा, और आप इनको यदि रट सकते हैं तो रटिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। उसके बाद भरतपुर प्रजामंडल 1938 में किशन लाल जोशी जिसके संस्थापक बनाए गए, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा बनाए गए, धौलपुर प्रजामंडल जो कि 1938 में ही हुआ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु बनाए गए, करौली प्रजामंडल 1938 में त्रिलोक चंद माथुर, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौपानी को बनाया गया, जैसलमेर प्रजामंडल जो कि 1945 में हुआ मीठालाल व्यास जो है वो संस्थापक बनाए गए, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में जिसमें भंवरलाल निगम जो है वो संस्थापक बनाए गए, उसके बाद है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगी लाल, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पाचक। तो इस तरीके से ये प्रजामंडल आंदोलन हुए थे इन जगहों पर, इन वर्ष में किए गए, और इनके संस्थापक जो हैं वो आपको मैंने बताए। तो ये आपको देखिए याद ही करने पड़ेंगे, ये रटने ही पड़ेंगे। तो आप अपने नोट डाउन करिए और अपने जो भी वॉल है वहां पर इनको टांगिए, और फिर डेली सुबह एक बार इनके संस्थापक और कहां पर ये प्रजामंडल हुआ, तो ये चीज आप डेली 15 दिन तक पढ़ेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए आपको इन्हें रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें यदि समझने की होती हैं उन्हें समझा जाता है, लेकिन अब यहां पर इनको याद करने वाली ही बात है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, जब मैंने आपको संभाग पढ़ाए थे तो यहाँ पर कुछ गलत मैंने लिख दिया था, तो इसको आप करेक्ट करिए। 1987 में राजस्थान का जो छठा संभाग है वो अजमेर को बनाया गया था, ठीक है? 1987 ईस्वी में जयपुर नहीं, अजमेर को बनाया गया था छठा संभाग, और उसके बाद 2005, 4 जून 2005 को राजस्थान का सातवां संभाग बना था भरतपुर, ठीक है? तो इस लाइन को आप करेक्ट करिए कि 1987 में छठा संभाग बना अजमेर और सातवां संभाग बनाया गया भरतपुर को 2005 में। चलिए इस तरीके से आज हमने प्रजामंडल आंदोलन को कंप्लीट किया। केवल आपको इतना ही जानना जरूरी है, इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का अर्थ, उद्देश्य, और ये प्रजामंडल आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुए, किस वर्ष हुए, और इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है? इतना ही आपको याद करना होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, इसका लेकर आऊंगी मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।